हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? अभी टाइम हो गया 1:30 और हम लोग लंच कर लिया, और अभी मैं थोड़ा टाइम रेस्ट करूँगी। और 2 दिन से ठीक नहीं लग रहा है तबीयत, और बाद में एडिटिंग करने बैठूँगी, तो अभी रेस्ट ले लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। अमेजन से कुछ पार्सल आया, मैं मंगाया था कल और आज ही आ गया, क्योंकि प्राइम का सब्सक्रिप्शन है ना, तो एक दिन में आ जाता है, तो ये तो बहुत। चलो अनबॉक्सिंग करो। तो मेरा किचन का भी कुछ है, देखो क्या है सरप्राइज। मेरे को खुद को नहीं पता क्या है, इसके लिए तो तुम्हें बोला, मैंने तो ऑर्डर दिया। हाथ में लगेगा, छोड़ दो, मैं कर। बस क्या है ड्राई फ्रूट कटर। ड्राई फ्रूट कटर ऐसे सब है, इसको पैकेजिंग थोड़ा सा ऐसा हो गया। खोल, इसको खोल के देखते हैं क्या आया है। तो ये रहा ड्राई फ्रूट कटर, चल काट के देखेंगे। हाँ सब सेट है, इसमें मत, ओ मैं समझ गई, मतलब इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना है, उसका जिसको ऐसे लेना है उसको। नो नो, सेटिंग है इसमें, देख ऐसे है ना पीछे से। हाँ ऐसे लेना है उसको। ड्राई फ्रूट कटर में ड्राई फ्रूट नहीं तो क्या? जैसे ड्राई फ्रूट कटर आया, हम लोग को सबको चालू हो गया ड्राई, तो सच्ची है बहुत अच्छे हो रहे हैं। किस में हाथ में भर रहे हैं आपस, दिखा कैसे, जैसे घुमा घुमा के करना पड़ता है। दिखाओ ऊपर थोड़ा लो। ये देखो ऐसे ऐसे ये है, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ तो कट हो के इतने सारे हो गया। और एक बार ये निकल पहले, और कैसे ऊपर डालने का, फिर डाल दो, फिर ये लगाओ और घुमाओ। टेस्ट भी अच्छा है। अरे बादाम का टेस्ट तो मालूम नहीं है, लेकिन फ्लेक्स के जैसे होगा। वही मैं तो पूरे मुंह में जाके घुल जा रहा है। अब बोल, माउथ मेल्टिंग है। ये देखो कितना सुंदर हुआ है। तो अभी ऐसे ड्राई फ्रूट्स कटर से ड्राई फ्रूट्स काट के मैं आप लोग को दिखाया। ये बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि कुछ बनाने जाओ तो ड्राई फ्रूट्स पहले चॉप करना पड़ता है बहुत टाइम से, तो इजी से 2 मिनट में हो जाता है। हाँ तुम देख करके देख लो, अब इसको खोलो, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालो, करो। तो चलो ऐसे ड्राई फ्रूट्स कटर मुझे मिल गया, तो खुद के बनाने के बाद ऐसा देने का हाल ही बहुत अच्छा है। और ये आलमंड किया, काजू भी होगा और पिस्ता भी, ऐसे फ्लेक्स जैसे बन जाएगा, तो बहुत ही ईजी से। मेरा कटर कैसे लगा, ड्राई फ्रूट्स कटर, ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरा बहुत काम का है, तो एक बार आप लोग को पसंद है तो इसका लिंक दे दूंगी आप लोग जरूर। बहुत फाइन चॉप हुई है, यूजेबल लाइक यूटेंसिल है। बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट चॉपर से ड्राई फ्रूट चॉप हो रहे हैं, लेके सकते हैं। और पिस्ता बारीक चॉप कर रहे हैं, देखिए मशीन से बहुत ही इजी से बन जाते हैं। और थोड़ा पिस्ता ऐड करती हूँ, बहुत फाइन चॉप करते हैं। और जो आलमंड का ये किया ना, बारीक चॉप किया, देख सकते हैं, ऐसे डब्बे में भर के स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो इससे 2 चम्मच निकल लीजिए। आज बनाऊंगी ब्रेड पाखुड़ा, तो इसके लिए पहले आलू की स्टॉपिंग बना लेती हूँ। 2 चम्मच ऑयल ऐड किया, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा था वो ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और बॉयल पोटैटो और ड्राई मसाला ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स 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 किया। जो स्टॉपिंग का मसाला है वो तैयार करके रेडी कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया।
और साइड में जो ब्रेड लिया था वो भी कट के ट्राइंगल शेप से कट के रेडी किया। बेसन का घोल बनाया, पहले स्टफिंग ऐड किया और बेसन का घोल में डिप करके हॉट ऑयल में फ्राई कर लिया। दोनों साइड अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। देख ही सकते हैं बहुत ही स्वाद ब्रेड पकौड़े बन के रेडी। चलो करते हैं बनाया ब्रेड पकौड़ा, तो मार्केट जैसा बना है काट के रखा, आप लोग को दिखाती हूँ। स्टॉपिंग भर भर के ऐड किया और दो स्लाइस ऐसे ट्राइंगल शेप में कट के और बेसन में डुबा के ऐसे ब्रेड पकौड़ा बनते हैं टमाटो सॉस के साथ। हम लोग इंजॉय करते हैं, तो चलो। लग रहा है बेटा उसको बहुत पसंद, उसका फरमाइश से बनाया आज। और तुम्हें कैसे लग रहा है? लग रहा है। आज तुझे और ये आप लोग को लिए इतना टेस्टी है ना, इसको डिप कर करके खा। अभी हम लोग ब्रेड कटलेट खाने को बैठ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।